Assalamualaikum, dear students of 9th class, how are you all? I hope that you are safe and sound. You are welcome to online classes. Before I proceed to lecture, I would like to share with you the reviewed syllabus. When we go through this syllabus, we come to know that most of the units we have done. Unit number 1, the Savior of Mankind. Unit number 2, Patriotism, Media and its Impact. Number 4, Hazrat Asma Razi Allahu Ta'ala Anha. Number 5, Daffodils. Number 6, The Kite's Vision and Pakistan. And the number 7, Sultan Ahmed Mosque. Students, you have already done all these units with their exercises and grammar portions in your notebooks. Now I will give review of unit number 8, Stopping by Words on a Snowy Evening. This poem is written by Robert Frost. The theme of the poem is that the poet points out at the attractive and exciting beauty of nature and simultaneously hints at the need to carry on with the daily affairs of life. The world of fantasy is very inviting, but one must maintain balance between the world of reality and imagination. और जो है वो सर्दियों की एक सख्त तरीन रात में जब बर्फबारी हो रही होती है अपने हॉर्स के साथ जो है वो जंगल में सफ़र कर रहा होता है वो अचानक रुक जाता है और वो घने जंगल में देखता है कि बिल्कुल खामोशी है और बर्फबारी हो रही है और वो इस तमाम साइट को मंजर को बहुत कीनली उसको ऑब्ज़र्व करता है और ये तमाम मंजर जो है वो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उस वक्त जो है वो उसका हॉर्स जो है वो स्ट्रेंज फील करता है कि यहाँ पे तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है, फिर समझ नहीं आती कि उसका मालिक जो है वो यहाँ पे क्यों जो है वो ठहर गया है। अब वो थोड़ी देर उस ब्यूटी को एंजॉय करता है, फिर उसके बाद जो है वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। कहता है कि अगरचे ये तमाम मंजर बहुत लुत्फानंदोज़ कर देने वाला है, बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन उसे इस के साथ साथ नेचर को एंजॉय करने के साथ साथ उसको बहुत ऐसी ड्यूटीज़ हैं कि उसने उसको परफॉर्म करना है, उसको फुलफिल करना है, इसलिए वो वहाँ से जाने की तैयारी करता है। पोएम में हमें ये बताया गया है कि हम नेचर को एंजॉय करने के साथ साथ इमेजिनेशन में रहने के साथ साथ हमें वर्ल्ड ऑफ रियलिटी को भी नहीं भूलना चाहिए। हमें मतलब इंजॉयमेंट के साथ साथ जो है वो अपने वर्ल्डली अफेयर्स भी कैरी ऑन करने चाहिए। जब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सर्कल द करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 1 है द पोएम इज सजेस्टिव ऑफ प्रोफाउंड थॉट्स अबाउट, यहाँ पे पोएम के अंदर जो है वो एक थॉट है वो क्या है, अ सीन ऑफ वुड्स इन विंटर। नंबर 2 है रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ है। और नंबर 3 है अ सीन ऑफ अ सॉन्ग ऑफ एन्जॉयमेंट है। तो यहाँ पे हमें ये थॉट मिलती है अ सीन ऑफ वुड्स इन विंटर। नेक्स्ट है द पोएम प्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पोएट एंड हिज फ्रेंड, द ऑब्लिगेशन ऑफ लाइफ एंड डिजायर टू एस्केप फ्रॉम देम, सी है द पोएट एंड फोर्सेस ऑफ नेचर। इसमें हमारा आंसर है द ऑब्लिगेशंस ऑफ लाइफ एंड डिजायर टू एस्केप फ्रॉम देम। नंबर 3 है आफ्टर रीडिंग द पोएम वी फील फेड अप ऑफ लाइफ, ये पोएम पढ़ने के बाद हम जिंदगी से उकता जाते हैं। बी है विश टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, या हम काफ़ी देर तक आराम करना चाहते हैं। सी है गेट रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, या हम जिंदगी के जो चैलेंज हैं उनसे हम लड़ने के लिए, उनसे नबर्द आजमा होने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा सी गेट रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। 4 है द पोएम कन्वेज टू अस ओनली अ सरफेस मीनिंग, बी है अ प्रोफाउंड थॉट, सी है नो मीनिंग एट ऑल। इसका आंसर है अ प्रोफाउंड थॉट। वी है डार्क वुड्स सिम्बोलाइजेज, डार्क वुड्स क्या सिम्बोलाइज करते हैं, ए डार्कनेस स्प्रेड अराउंड द पोएट, बी है डेथ एंड डिपार्चर टू अनदर वर्ल्ड, सी है डार्कनेस इन द माइंड ऑफ पोएट। इट्स आंसर इज बी डेथ एंड डिपार्चर टू अनदर वर्ल्ड। इट्स ग्रामर पोर्शन एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज विल बी डू इंशाल्लाह आवर नेक्स्ट लेक्चर। As for grammar and composition concern, we have done informal letters, हमने सारे ये letter कर लिए हैं, dialogue writing ये भी हो गई है, paragraph writing ये भी हमारा clear है। इंशाल्लाह next lessons में हमारे जो रहती हैं चीज़ें उनको हम साथ साथ cover। This is our introductory lecture.
So students, you must take online classes regularly. You need work hard and more attention because you have to appear board exam. Do your work in time. Take care of yourself. Stay home. Stay safe. Thank you. Allah Hafiz.